रितु राज गायकवाड़ एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनिंग कम कह सकते हैं एक वॉइस कैप्टन के रूप में। ऐसा क्या किया वही जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि रितु राज गायकवाड़ जो कि एक तरफ डटे रहे अड़े रहे ऐसा कह सकते हैं, और उन्होंने देखा यहाँ पे जायसवाल को जाते हुए, सैमसंग को जाते हुए, लेकिन खुद इसके साथ साथ तिलक वर्मा को जाते हुए, लेकिन खुद फिर भी अड़े रहे। लेकिन एटलीस्ट उनकी पारी 58 रन जो कि 43 गेंदों में के अंदर आए, उनका एक छक्का भी ऐसा देखने को मिला जो कि आउट ऑफ द ग्राउंड था, लेकिन फाइनली उन्हें आउट कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एम सेंचुरी के द्वारा जो कि कैच के द्वारा आउट हुए थे, ट्रैक्टर ने कैच लिया था, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच था ये। लेकिन उस समय कहीं ना कहीं शॉट की जरूरत थी, धीमी गति की गेंद थी, जिसकी वजह से रितु राज गायकवाड़ को वापस जाना पड़ा। लेकिन वो अपना काम कर गए, पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने अच्छा साथ निभाया था, वो तो मैच नहीं हुआ पूरा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इस मैच के अंदर वो पूरी कसरें कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे दारोमदार है कहीं ना कहीं रिंकू सिंह के ऊपर। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।